माय चैनल फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी सालेपुर कटक उड़ीसा के बारे में। जी, तो यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल है, अगर बात करें कोर्सेज का, तो डी फार्मा है, बी फार्मा और एम फार्मा है। तो कॉलेज का जो स्टार्टिंग हुआ था आपका, इस कॉलेज का स्टार्टिंग है 1982 में, यानी कि कॉलेज आपका लगभग हो गया 39 ईयर्स ओल्ड कैंपस। तो कॉलेज की बात करें तो 1982 में इनके पास पहले डी फार्मा स्टार्ट हुआ था, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। उसके बाद आपका 1995 में आपका बी फार्मा स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो 2004 से यहाँ पर एम फार्मा स्टार्ट हुआ, फार्मा स्टार्ट हुआ। देन अगर यहाँ पर बात करें तो डिस्टेंस की, इस कैंपस की, तो कटक से इस कॉलेज का डिस्टेंस आपका 25 किलोमीटर है और भुवनेश्वर से इस कॉलेज का डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर है। तो वहीं अगर बात करूँ कॉलेज को अपलेशन का, तो अपलेशन इसको जो मिला हुआ है PCI का अपलेशन है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का अप्रूवल भी है। साथ ही साथ इसको अगर बात करूँ तो NBA अप्रूव्ड मिला हुआ है, NAC मिला हुआ है और BPUT से अफिलेटेड कैंपस है, यानी कि बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कैंपस है। अगर वहीं बात करें डी फार्मा, तो डी फार्मा में इनके पास 60 सीट है 60 सीट है। यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस होता है आपका DMAT के थ्रू होता है, जो उड़ीसा ऑर्गेनाइज कराता है। अगर बात करें बी फार्मा में, तो बी फार्मा का फर्स्ट ईयर में जो सीटें होती है 100 सीट होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको OG, JEE Mains और NEET में से कोई एग्जाम दिया होना चाहिए, देन आप यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो लेटरल एंट्री का 10 सीट होता है, यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको OG का एग्जाम देना होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर एम फार्मा की बात करें तो एम फार्मा के यहाँ पर 3 स्ट्रीम चलता है, आपका चलता है फार्मेटिकल केमिस्ट्री, फार्मेटिकल एनालाइज और एक फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पर जो टोटल सीट है एम फार्मा का वो है आपका 42, तो फार्मेटिकल केमिस्ट्री में 12 है, बाकी 15 दोनों इसमें। तो इसमें जो अगर एडमिशन लेंगे तो प्रोसेस होता है आपका, या तो OG एग्ज़ाम देना होना चाहिए, साथ ही साथ अगर बात करूँ तो GATE, PZ और GPET का एग्ज़ाम देना चाहिए फ्रेंड। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि OG का अपना रिजल्ट आ ही चुका है, तो OG ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है सबकी, तो अपने लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। तो आप अगर उड़ीसा के अंदर में कॉलेज सर्च आउट कर रहे हो OG के थ्रू, तो आप इस कॉलेज को भी अपने प्रायोरिटी पर रख सकते हो। कॉलेज का हर चीज़ बहुत बढ़िया है, मैंने हर चीज सर्च करने बाद इस कॉलेज का रैंकिंग अच्छा देखा, तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। अब फ्रेंड इसी कटअप की बात करूं, तो कटअप अभी मैं इसका एनालाइज कर रहा हूं, देन अगर किसी को कटअप जानना होगा इस कॉलेज के बारे में, तो आप मेरे को पर्सनली मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, मैं आपको कटअप एनालाइज करके बता दूंगा क्या कटअप पे कौन से सीट मिल सकता है आपको, ठीक है फ्रेंड। तो बाकी अगर फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपके तक ऐसी मैं OG का हर चीज अपडेट लाते रहूंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी मैं आपको लाइव जुड़ूँ, तो मेरे को 1K सब्सक्राइबर करना है, देन उसके बाद मैं लाइव आऊँगा सब, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देते रहूँगा साथ ही साथ। फ्रेंड बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।